सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक और नई एंट्री होने वाली है। शो में आग लगाने के लिए बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रहे अब्दू रौजिक आ रहे हैं। अब्दू शो में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी झलक उनके लेटेस्ट वीडियो में देखने को मिली है। हालांकि लोग उनके मजे लेना भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल बिग बॉस 17 में इस वीकेंड के वार में अब्दू रौजिक की एंट्री होने वाली है, जिसके लिए वह मुंबई पहुंच गए हैं। बीती रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। यहां पर पेपराजी ने अब्दू रौजिक से बिग बॉस में एंट्री पर सवाल किए, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया। अब्दू रौजिक पेपराजी को देखते ही बोले, आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं? मैं यहां पर देखने के लिए आया हूं कि बिग बॉस कैसा चल रहा है। वैसे आप बताओ, बिग बॉस कैसा चल रहा है, अच्छा या बुरा? मतलब थोड़ा बोरिंग चल रहा है, तो उसमें थोड़ा मसाला डालने की ज़रूरत है। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बता दें कि अभी तक मेकर्स और अब्दू की तरफ से बिग बॉस एंट्री की खबर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दावा है कि अब्दू रौजिक मुंबई बिग बॉस में एंट्री के लिए ही आए हैं। हालांकि अब्दू को देखकर लोग मजे भी लेने शुरू कर दिए। सामने आए वीडियो पर लोग अब्दू रौजिक से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बिग बॉस में आने के अलावा दूसरा काम नहीं है। एक ने लिखा, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करता है। वही एक ने लिखा, इसको कुछ काम नहीं है, हर साल बिग बॉस में आना है। वह एक ने लिखा, क्या करेगा ये बाकी के झगड़े के बीच दब जाएगा। बिग बॉस 17 में वीकेंड के वार में सलमान खान कंटेस्टेंट की बैंड बजाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सलमान खान की जगह करण जौहर शो होस्ट करते नजर आएंगे। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।